अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाने वाले वे बाजार में नकली नोट चलाने वाले आरोपी गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सन 2011 में माननीय न्यायालय में आरोपी कासम पुत्र इसाक निवासी भागडोजी को अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाने व नकली नोट बाजार में चलाने के मामले में आरोपी को भगोड़ा घोषित कर रखा था, जो वो 10 साल से फरार चल रहा था। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी अम्बेडकर चौक बस स्टैंड पर उपस्थित है और वो कहीं जाने की फिराक में है। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने गुप्तचर की सूचना को ध्यान में रखते हुए उक्त स्थान पर जाकर दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को एक दिन की रिमांड अवधि के लिए कोर्ट में पेश किया गया ताकि इस मामले के संबंध में पूछताछ की जा सके। तत्पश्चात अगले दिन आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत भौंडसी जेल भेज दिया गया है। भारत टीवी डेस्क से रिजवान खान की रिपोर्ट।